नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। महतारी वंदन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। महतारी वंदन फॉर्म भरते समय बहुत सी परेशानी आ रही थी, जिसके जवाब इस वीडियो में के माध्यम से आपको मिलने वाली है। साइड में बहुत से बदलाव हुए हैं, आप सभी के लिए बहुत ही आसानी से आप मोबाइल के माध्यम से अब फॉर्म भर सकते हैं। आपको कहीं भी ऑनलाइन करवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट में हो चुके हैं बदलाव। और क्या बदलाव हुआ है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे मोबाइल में भरना है आपको हम पहले से वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे की वीडियो यहाँ से मैं बताती हूँ। यहाँ 3 डॉट में जाना है, फिर हितग्राही लॉगिन आईडी में जाना है, फिर आपको सिंपली मोबाइल नंबर डाल देना है, कैप्चर कोड डालना है, उसके बाद ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, उसको दर्ज करना है, जिसके बाद आवेदन पंजीयन फार्म खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ऑनलाइन वीडियो कैसे अपलोड करना है आपको हम पहले ही बता चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद ये ऑप्शन खुलता है, महतारी वंदन योजना आवेदन पत्र। आवेदन पत्र के बाद आता है हितग्राही की जानकारी, आवेदिका के प्रकार, आवेदन की तिथि, के आवेदिका का नाम। जहां पर स्टार लगा है आपको उसको भरना ही पड़ेगा। आपको सिंपली इसको सभी को भर लेना है। और सबसे ज्यादा परेशानी आ रही थी आपको दस्तावेज अपलोड करने में। पहले दस्तावेज अपलोड करने के लिए हमें फाइल का साइज परिवर्तन करना पड़ता था, जैसे कि जीपीजी, जीपीईजी, पीएनजी में से रखना पड़ता था, और उसके बाद 100 KB में ही अपलोड करना होता था। लेकिन अब ये पोर्टल में बहुत बड़ी बदलाव हुआ है, जिसमें आपको कोई फाइल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ चूज फाइल में क्लिक करना है, इसमें आपको ऑप्शन आएगा कैमरा का, कैमरा चूज कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आएगा फोटो खींचने का, आएगा जहां पर आप फोटो खींच सकते हैं। उसके बाद आप टिक का निशान लगा लेंगे तो आपका फाइल पीएनजी में स्वयं ही अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का फाइल को रिड्यूस करना नहीं पड़ेगा। आप चूज फाइल में करके सीधा फोटो क्लिक कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार सभी आपके दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं और सभी इस प्रकार पूरे दस्तावेज अपलोड करने के बाद आप सबमिट यहां पर आसानी से कर सकते हैं। आसानी से फाइल अपलोड कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बदलाव हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अब आप मोबाइल पे ही फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।